बिहार में कई ऐसे दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है बिहार की राजधानी पटना स्थित गोलघर। बिहारी विहार में आज हम बात करेंगे गोलघर पटना की। गोलघर अपनी गोलाकार गुंबदनुमा आकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके चारों तरफ घुमावदार 145 सीढ़ियां हैं जो कि इस इमारत को और भी आकर्षित बनाता है। गोलघर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। यह पटना शहर के पश्चिमी किनारे पर गांधी मैदान के पास है। आज़ादी से पहले साल 1784 में अंग्रेजों ने इसे अनाज के भंडारण के लिए बनाया था, जिसमें 1,37,000 टन अनाज रखे जाने की क्षमता थी। लेकिन इसमें अनाज भंडारण नहीं किया जा सका और आज यह ऐतिहासिक इमारत एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। आखिर वो क्या वजह रही कि इस गोलघर में अनाज का भंडारण नहीं किया जा सका, वो हम आगे जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस गोलघर को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, साथ ही इस गोलघर को बनाने के पीछे हम भारतीय को कितना कुछ भुगतना पड़ा। बिहार सदियों से सूखे की स्थिति से ग्रस्त रहा है और इस क्षेत्र के लोगों ने अकाल का सामना किया है। साल 1770 का समय था जब यहाँ भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस क्षेत्र में अकाल की समस्या ने लोगों को बदहाल कर दिया। लोगों में भूखमरी फैल गई। उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। क्षेत्र में पड़ी भयंकर अकाल को देखते हुए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई, जिसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण किया। लेकिन ये भारतीयों के लिए नहीं था बल्कि ब्रिटिश फौज के लिए बनाया गया था। गोलघर आज भले ही अपने अनोखे ढांचे और खूबसूरती के लिए जाना जाता हो, लेकिन इसका इतिहास भारतीयों के लिए बेहद ही कष्ट कर रहा है। 236 वर्ष पुराने इस गोलघर को बनाने में 30 महीने यानी 2.5 साल का वक्त लगा था। आज की इमारतें बिना पिलर की नहीं बनाई जाती, बल्कि लोग अब पिलर देते वक्त खास ख्याल रखते हैं क्योंकि इसी से घर या इमारत की मजबूती को आंका जाता है। लेकिन आज से करीब 250 साल पहले बनाए गए इस गोलाकार इमारत को बिना कोई पिलर, बिना कोई खंभे का बनाया गया। अपने विशेष प्रकार की वास्तु प्रकृति के अलावा गोलघर गंगा के पीछे से पूरे शहर का सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करता है। यह हर प्रकार से दिल थाम लेने वाला नज़ारा होता है। किसी समय में गोलघर पटना की सबसे ऊंची इमारत थी। कहा जाता है कि जब गोलघर का निर्माण हुआ था तब इसके बगल से गंगा नदी बहा करती थी। इसका प्रमाण ब्रिटिश लाइब्रेरी में गोलघर की वह पेंटिंग है जो 206 वर्ष पुरानी है, जिसमें यह साफ साफ दिखाया गया है कि गोलघर के बगल से गंगा नदी बह रही है और नाव भी चल रहे हैं। इस चित्र को अंग्रेज चित्रकार रॉबर्ट ने 1814 से 1815 में बनाया था। धीरे धीरे राजधानी पटना का विस्तार हुआ और अब तक ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी कई इमारतें बन चुकी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी पटना से गंगा नदी दूर होती हुई दिख रही है। गोलघर के सबसे ऊपरी हिस्से पर 2 फीट 7 इंच व्यास का एक बड़ा सा छेद है जिसे अनाज डालने के लिए छोड़ा गया था। गोलघर के चारों तरफ घुमावदार 145 सीढ़ियां बनी हैं, जिस पर चढ़कर गोलघर के ऊपरी हिस्से में अनाज डाला जाता था। लेकिन 1,37,000 टन अनाज भंडारण की क्षमता रखने वाले गोलघर में कभी अनाज भरा नहीं जा सका, क्योंकि भले ही इसकी बनावट अनोखी थी लेकिन यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनाज रखने के लिए उचित नहीं था। माना जाता है कि इंजीनियरिंग की खामी की वजह से यह नौबत आई, क्योंकि इस इमारत में हवा निकलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई थी और गोलघर का ऊपरी हिस्सा आसमान से सीधे संपर्क में होने की वजह से बंद होता था। इसमें एक दरवाज़ा था जो कि इतने बड़े इमारत के लिए पर्याप्त नहीं था। यही वजह रही कि इसमें अनाज डालने के बाद इसमें अनाज सड़ने लगे थे और फिर कभी इसे अनाज रखने के लिए उपयोग में नहीं लाया गया। इसके बाद से ही यह इमारत बस दिखावे का रह गया। अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद इसे पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया गया। 2017 में इसे एक बार रिपेयर किया गया था, लेकिन फिर इसकी सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद इस पर चढ़ने से प्रशासन ने रोक लगा दिया।
गुंबदाकार आकृति के कारण इसकी तुलना 1627 से 55 में बने मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। इस इमारत की एक और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर एक आवाज़ 27 से 32 बार प्रतिध्वनित होती है। यह अपने आप में अद्वितीय है। गोलघर के क्षेत्र को खूबसूरत पार्क के तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ आप पेड़ों के नीचे चबूतरे पर बैठकर गोलघर की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले भी हैं। यहाँ के स्थानीय लोग सुबह और शाम यहाँ आना नहीं भूलते। अगर ऐसे में आप गोलघर पहुँच रहे हैं तो कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, वो है टाइमिंग। गोलघर सप्ताह के 6 दिन खुले होते हैं जिसमें सोमवार को बंद होता है। रविवार से लेकर शनिवार तक आप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे से पहले वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद गोलघर में एंट्री नहीं मिलती है। ऐसे में अगर आप ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण में दिलचस्पी रखते हैं और आपका कभी पटना आना हुआ तो एक बार गोलघर जरूर आएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।